Hi everyone, my name is Ankita and welcome to my channel. Hi, good morning. Kaise hai aap sab? Hope you guys are doing well. So, yet another weekend and yet another vlog for you guys. So, let's get this vlog started. So it's 10:45 on the clock and मैं बिल्कुल नहा कर तैयार हूँ to take on the day. So nothing exciting planned as of now. So it'll be a usual day of chilling, just cooking something, maybe baking something, and you know IPL के matches देखेंगे. कुछ events planned हैं in the evening in the building itself. So वो cover करेंगे. And yeah, it'll be a usual relaxed you know day. And yeah, let's see how the day goes. So first things first, breakfast sort करना था. So breakfast sorted ही था क्योंकि कल रात को मैंने साबुदाना भिगा दी थी. So अभी तक वो soak हो गया होगा अच्छे से. And now we go and prepare the साबुदाना खिचड़ी. Let's go. ये जो साबुदाना खिचड़ी की रेसिपी है ये मैंने काफ़ी मतलब रिसर्च करके ही यूट्यूब से निकाला है. अगर आपको कोई ऑथेंटिक साबुदाना खिचड़ी की रेसिपी आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर. इसमें मेरे हिसाब से मुझे जो अच्छा लगता है मैं डाल देती हूँ जो भी मैंने रेसिपी में देखा हुआ है. सो इसमें जीरा, यू नो, जिंजर, करी लीव्स, चिलीज एंड फिर आलू, ये मैं डालती हूँ. उसके बाद जो सोक्ड किए हुए साबुदाना है उसको मैं ड्रेन आउट कर देती हूँ फॉर ऑल द एक्सेस वाटर ताकि वो थोड़ा ड्राई हो जाए. एंड इसके ऊपर मैंने नमक, काला नमक एंड क्रश्ड पीनट्स, क्रश्ड रोस्टेड पीनट्स डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है. अब इसी मिक्सचर को वंस यू नो द आलू एंड पीनट्स एंड मसालाज हैव फ्राइड अच्छे से उसको डाल देती हूँ. एंड फिर या जस्ट एंड इट विथ कोरिएंडर लीव्स. तो आप मुझे बताइएगा कि इफ़ दिस इज़ द राइट साबुदाना खिचड़ी की रेसिपी या आपके पास कुछ बेटर है तो ज़रूर मुझे बताइएगा. सो साबुदाना खिचड़ी के साथ चाय तो बनती थी. तो सबसे पहले फिर चाय बनाया एंड टुडे आई वाज इन अ मूड टू यू नो जस्ट यूज़ दिस केटल. मुझे ये केटल बड़ा प्यारा लगता है बट फॉर सम रीज़न मम्मा कीप सेइंग दैट यू नो अरे ये क्यों निकाल रहे हो, फिर इसको धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है. सो आई टुक द liberty and I took this responsibility ki bhai dhungi main hi goon pari but I want to use it. So after a quick breakfast, given that you know aam ka season hai, so humne ice cream banane ki koshish ki. Please don't be surprised by seeing the jar. Humne milk ko gaadha kiya, usme corn flour dala, usme thoda custard powder dala, added lot of nuts and it became quite thick. To usko humne bas churn kar diya in the mixie but I don't know if it helped. अब हम इसको जस्ट इन कोन्स में डाल देंगे एंड वी लेट इट फ्रीज. नाउ द वेट फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स स्टार्ट्स. उसके बाद मैंने कुछ हॉल वीडियोस रिकॉर्ड किए. लंच वाज सुपर 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 सिंपल दाल राइस बोल. सो देयर वाज राइस, देयर वाज सांबर, देयर वाज कैबेज के वड़े, अचार एंड पापड़. Then I started seeing this movie called Wish, जो अभी भी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है बट सीम इंटरेस्टिंग. आई विल प्रॉब्ली यू नो गिव इट अ गो. तो आई वॉज इन हाफ अ माइंड दैट वॉट डू आई मेक आउट ऑफ द एवोकाडो. सो येस्टरडे मैंने एवोकाडो ऑर्डर की थी फ्रॉम बिग बास्केट एंड आज वो ऑलमोस्ट राइप हो गया था. सो आई वॉज इन हाफ अ माइंड कि इसका गुआकामोले बनाएं या इसको यू नो ऑन टोस्टेड ब्रेड स्लाइस करके खाया जाए. So finally I gave in and I said okay, so guacamole bana dete hain. And I added a twist of adding diced mangoes as well and it was a game changer for sure. And finally it rained today. I mean we all were waiting for this one and it finally rained. Such a relief. It was a teaser, it just rained for 5 minutes and stopped as though nothing happened, but it was just worth the wait. Ab ye dekhiye kya hai, aap mujhe bataiye comments mein ki what do you think that is. आज जो मैंने दोनों डिशेस बनाई हैं उनकी रेसिपीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो हियर इज़ मी जस्ट चिलिंग आउट इन द बालकनी. सो
सो दैट्स द आउटफिट फॉर द इवनिंग. सो हमारे अपार्टमेंट में आज रामनवमी की कुछ सेलिब्रेशंस थी. सो देयर वाज पूजा, देन देयर वाज सम फंक्शंस एंड प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन. सो हमने सोचा कि हम वहाँ जाके मत्था टेक लेते हैं एंड देन वी विल सी हाउ टू गो अबाउट द इवनिंग. तो ये है हमारी मम्मा की काफ़ी प्रिय मित्र. चांद को देखा, ಹತ್ತು ತಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳುಗಳುಳ್ಳುವ ರಾವಣ ಮಹಾನ್ ಶಿವಭಕ್ತ. ಇವನ ಪೂಜೆಗೆ ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ದೇವೇಂದ್ರ ಶಿರಸ ವಹಿಸಿ ರಾವಣನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ದಿನಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಫಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಥಾ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಉಪ್ಮಾ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸೂಜಿ ಹಮಕೋ ವಹಿ ಬೋಲ್ತೇ ವಿತ್ ಚಟ್ನಿ. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಫಿರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಫೋರಮ್ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವಹಾಂ ಮುಝೆ ಲೂಲೂ ಸೆ ಕುಛ್ ಯು ನೋ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜಂಕ್ ವಗೈರಾ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಕರ್ನಾ ಥಾ. So my Saturday evening almost seems sorted. Now let's head back. Now just assembling nachos with guacamole dip. And then mostly spent rest of the night or evening, as one might say, you know, seeing multiple series, some movies here and there, and then called it a day. Hope to see you in the next vlog. Agar aapko ye video acha laga, then do like the video and subscribe to the channel. Khush rahein, khushiyan baantein, keep exploring and keep discovering.